भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेश पर खनन विभाग एवं परिवहन विभाग भागलपुर की टीमों ने 21 और 22 जून को झारखंड से आने वाले ट्रकों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 143 ओवरलोडेड गिट्टी से लदे ट्रकों पर जुर्माना लगाया गया, जिनसे कुल 3 करोड़ रुपए की वसूली की गई। दरअसल यह कार्रवाई अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए की गई थी। खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई ट्रकों में क्षमता से अधिक गिट्टी लदी हुई थी, जिससे सड़कों को नुकसान हो रहा था और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा था। इसी दौरान कई ट्रकों को जब्त भी किया गया। जिला प्रशासन ने आगे भी इस तरह के अभियान चलाने की सख्त चेतावनी दी है और लोगों से अवैध खनन और ओवरलोडिंग से बचने की अपील की है। लगातार आप देख रहे हैं कि जांच चल ही रही है। अभी भी लगभग 70 से 80 ट्रक हैं जिनका जांच होना भी बाकी है। हम लोग उसको लगातार कांटा करवाते हुए जो ओवरलोड का है या फिर जो चलान नहीं है उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो मतलब हमको लगता है कि देर रात्रि तक स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी गाड़ियों पे कार्रवाई हुई, किस तरह का इसमें जो है ओवरलोड है, बालू है, छर्री है। देखिए छर्री है, मतलब जो पेबल्स होते हैं, जो गिट्टी बोलते हैं, वो है, वो सब भी ओवरलोड है। और कुछ गाड़ियाँ हैं जिसमें चलान नहीं, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको ड्राइवर वगैरह छोड़ के चले गए हैं और हम लोगों ने उनको चेक भी किया है, तो हम लोग को भी शक है कि शायद वो बिना चलान के होंगे। तो उनसे भी सब गाड़ियों को टोचन करके हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं चलान। हाँ, इसमें मतलब बांका की माइनिंग टीम और जमुई जिला से जो माइनिंग इंस्पेक्टर हैं वो लोग भी आए हुए हैं हम लोग को सहयोग के लिए। छापेमारी हम लोग थ्रू आउट जो हमारा ये सबौर रोड है, जो हमारा 0 माइल से लेके घुगा तक का जो सदर अनुमंडल का क्षेत्र है, वो हम लोग थ्रू आउट पूरे रोड पे, क्योंकि उधर से ही गिट्टी वगैरह आता है, आप लोगों को सभी लोगों को जानकारी है। तो हम लोगों ने सुबह 10 बजे से ही पिकेट बना के सारी गाड़ियों को तभी से हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। जिन गाड़ियों पे थोड़ा शक था उन सभी को हम लोग यहाँ पे ला के उसका फिर से दोबारा जाँच कर रहे हैं, ताकि अच्छे से जाँच हो और कोई भी वैसी गाड़ी जो अवैध तरीके से चल रही हो वो छूटे ना। सर देखिए परेशान, ये तो हम लोग का डेली करने का काम है, तो परेशानी की बात नहीं है। भागलपुर में पारिवारिक कलेश का माहौल आए दिन देखने को मिलता रहता है। अमूमन ये मामले जमीन विवाद से जुड़े होते हैं, जिनको लेकर आपसी भाईचारा भी खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। ताजा मामला जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पैतृक संपत्ति को लेकर एक भाई दूसरे भाई के जान के दुश्मन बन गए हैं और अपने ही भाई बंधुओं पर फायरिंग शुरू कर दी है। मामले को लेकर पीड़ित नीरज कुमार मेहता और मिथिलेश कुमार मेहता ने बताया कि उनके सगे भाई रितेश कुमार दबंगों के साथ मिलकर कई राउंड गोलियां फायर की और पैतृक घर खाली करने की धमकी देने लगा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घर की तमाम संपत्तियों का बंटवारा हो चुका है, बावजूद इसके रितेश बलपूर्वक घर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उन्होंने कहा कि उसकी संगति कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ भी है, जिसके बूते वह आए दिन अपने दोनों भाइयों से विवाद करता है, जिसके कारण वे लोग काफी दुखी हैं। वहीं मिथिलेश कुमार मेहता की पत्नी रेणु देवी ने बताया कि अपने भाइयों के अलावा वह महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार करता है और हमेशा घर खाली करने का दबाव बनाता है। शनिवार की सुबह गोली फायरिंग की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रितेश अपने 4-5 साथियों के साथ फायरिंग कर रहा है। परिवार के लोगों ने कहा कि उसका आपराधिक इतिहास भी है और वह किसी मामले में जेल भी जा चुका है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर लोदीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया, जबकि आरोपी रितेश कुमार मेहता अब तक फरार है। वहीं घटना से नीरज और मिथिलेश काफी सहमे हुए हैं। उन्होंने पुलिस से अविलंब मामले में कार्रवाई करने की मांग की। घटना क्या है? मेरे देवर हम लोग को आते हैं हमेशा, घर में गाली गल्लम करते हैं। 2-3 दिन पहले भी हम आवेदन दिए थे, हमको आकर के बहुत गंदा गंदा गाली दिए, तब हम गए थे थाना। और अभी 2 दिन पहले से वो दूसरे जगह रहते हैं लालू चकंगारी में, वहाँ से सारा सामान ला के यहाँ जबरदस्ती कहते हैं कि मेरा भी हिस्सा है और हम लोग का वहाँ पर है, वो हम लोग को नहीं दे रहे हैं। यानी जमीनी विवाद का मामला है। हाँ। क्या हुआ था? गोली वोली की बात आ रही है चलने? हाँ, तो गोली रात में वो फिर आकर के हम लोग से लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो हम लोग उसको घर से भगाए, तो उसकी पत्नी यही रह गई और वो रात भर उधर रहा और सुबह में यहाँ आकर के गोली फायरिंग किया। कितना राउंड गोली फायरिंग? हम नहीं सुने थे गोली, लेकिन आवाज, हाँ आवाज सुने थे, 2-3 आवाज सुने थे, 2-3 आवाज सुने। देवर का नाम क्या है? रितेश कुमार। मुखिया को फोन किए, वहाँ दरोगा जी को फोन किए। थाना पे गए थे? थाना पे अभी, हाँ वहीं से। कब थी शिकायत? गए तो हैं 10 बजे ही,
लेकिन अभी आधा घंटा पहले पुलिस आई थी मौके पर। हाँ, हाँ, आई थी 8 बजे पुलिस आई। पुलिस यहाँ भी देखी, फिर वहाँ भी लालू चक पे भी गई, लेकिन रितेश नहीं मिला, वो भाग गया। पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार में सरकारी नौकरी में एससी एसटी और पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के विरोध में आज राजद कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। राजद नेता डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि सरकार ने आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं किया था। उन्होंने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि रद्द किए गए फैसले पर जल्द से जल्द पुनः सुनवाई हो। डॉक्टर आनंद आजाद ने यह चेतावनी दी कि यदि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो राजद कार्यकर्ता उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा बहुत ही सोच समझ करके समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, सामाजिक एवं शैक्षिक वर्ग से पिछड़े समाज के लोगों के उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था और उसमें सबों को हिस्सेदारी देने का कार्य किया गया था। पिछले दिनों बिहार में बिहार सरकार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पहल पर बिहार में जातिगत गणना करवाते हुए सभी जातियों को उसके संख्यानुपात में हिस्सेदारी देने का कार्य किया गया था। जो पूर्व से आरक्षण का प्रावधान था 50%, उसको बढ़ाते हुए 65% किया गया था, लेकिन समाज के आरक्षण विरोधी तत्वों के द्वारा, पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी तत्वों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर करके उसको गुमराह करके उस आरक्षण को रद्द करवाने का कार्य किया गया। तो हम केंद्र सरकार से तथा राज्य सरकार से पुनः उस आरक्षण को बहाल करने के लिए, उसके लिए विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए मांग को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो हमारा आरक्षण समाप्त किया गया है उसे पुनः बहाल किया जाए। जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार की अध्यक्षता में आज जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से जिला परिषद का कामकाज ठप पड़ा हुआ था, अब सभी जिला परिषद सदस्य मिलकर अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य की योजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन योजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। मिथुन कुमार ने कहा कि अब जनता को विकास के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सभी जरूरतमंद लोगों तक विकास की योजनाओं को पहुंचाएगा। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कुमार अनुराग सहित जिले के सभी जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में सारा जो योजनाएं होती है उस पर चर्चा और जो विभाग सारे जनहित के लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं उसके लिए हम लोग बैठक बुलाए, सभी विभाग से आए और सभी विभाग का जो जो कार्य है हमारे जनता के हित के लिए उस पर हम लोगों ने चर्चा किए। हमारे साथ में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे DDC महोदय हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, SCO सर हैं, हम लोग सभी मिलके इस समीक्षा को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से बढ़ाने के लिए ये आज बैठक हम लोगों ने रखी है। लायंस इंटरनेशनल जिला 322E के रीजन 9 के रीजन चेयरपर्सन संजय कुमार लाठ ने शनिवार को नया बाजार स्थित हिंदुस्तान क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में रीजन 8 के क्लबों द्वारा इस वर्ष संपादित सेवा कार्यों का ब्यौरा लिया गया। रीजनल कॉन्फ्रेंस है, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रीजन 6% होते हैं उनको साल में बार करना पड़ता है और वो अपने पूरे टेन्योर का क्या मेंबर्स का ग्रोथ हुआ है, क्या माइनस हुआ है, क्या क्या वर्किंग हुई, कौन सी जैसे हमारे जितनी क्लबें हैं उन क्लबों ने क्या क्या काम किया है उसका ब्यौरा समझिए आपको यहाँ पर डिस्कस करें। लायंस क्लब का मेन मोटो है सर्व करना। हम लोग हमेशा जो है जो जरूरतमंद है उन लोगों को सर्विस देते रहते हैं। जैसे हम लोग का मेन है आँख का ऑपरेशन करवाना, भागलपुर क्लब, लायंस फेमिना क्लब हमेशा ऑपरेशन वो करते हैं। हम लोग का एक मॉर्चरी बॉक्स का सर्विस चलता है लायंस क्लब चिंग सिटी का, 24/7 हम लोग का सर्विस है जिसको लायंस उज्जैन मामू जी देखते हैं। लायंस क्लब चिंग सिटी के द्वारा हम लोग का एक होम्योपैथिक सेंटर चलता है जिसमें लगभग 50-60 मेंबर्स पेशेंट डेली चेकिंग के लिए आते हैं, उनको फ्री दवा हम